तुर्की फुटबॉल क्लब बेसिक्स पर यूरोपियन सॉकर गवर्निंग बॉडी यूईएफए ने आरोप लगाया है कि उसने एक फुटबॉल चैंपियन लीग में जीत हासिल करने के लिए एक बिल्ली का सहारा लिया है। यूईएफए का कहना है कि उन्होंने बिल्ली को वोडाफोन पार्क में दूसरी टीम बायर्न म्यूनिख के साथ मैच के दौरान मैदान पर आने की इजाजत दी थी। दरअसल ये मुद्दा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि बीते बुधवार को हुए इस मैच से पहले दोनों टीमों के बीच हुए 16 मैच लगातार बराबरी पर खत्म हुए थे। ऐसे में दूसरे हाफ में जब विजी बेसिक्स की टीम बायर्न से 2 के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही थी, तभी बिल्ली ने मैदान पर आकर व्यवधान उपस्थित कर दिया और मैच आगे नहीं खेला जा सका। इसके चलते बेसिक्स को जीत हासिल हो गई। यूईएफए के अनुसार विजेताओं ने उन नियमों की अवहेलना की है जिनके तहत मैदान पर पालतू या अन्य जानवरों को मैदान पर छोड़ना मना है। इसके साथ ही तुर्की के क्लब पर अन्य आरोप भी लगाने की बात की जा रही है जिनके तहत मैदान पर अनचाहा सामान फेंकना और अव्यवस्था फैलाना वर्जित है।